स्थानीय ग्राम के बस स्टैंड चौक पर ग्रामीणों के परेशानी का सबक बना एक ट्रांसफार्मर, जिसके चलते क्षेत्र के आवागमन, राहगीर और अन्य यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मार्ग पर ट्रांसफार्मर आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहा है। हाई टेंशन लाइट होने की वजह से उक्त क्षेत्र में हर कार्य सावधानी से करना पड़ता है। वहीं पूर्व में हाई टेंशन लाइट पर टकराने से दो घटनाएं घटित होकर काल के गाल में ग्रामीण समा गए। आए दिन ट्रांसफार्मर का फॉल्ट होना आम बात हो गई है। यहाँ बस स्टैंड चौक पर बसों को आने जाने में काफी परेशानियां हो रही है। वहीं डीपी की वजह से अतिक्रमणधारियों ने भी अपना अतिक्रमण बढ़ा रखा है। ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों द्वारा विगत दिनों इस संबंध में जेई बरूड, एई ऊन, डी खरगोन से संपर्क साधा। साथ ही भगवानपुरा विधायक डावर और खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल ने भी विभागीय अधिकारियों से डीपी हस्तांतरण करने हेतु चर्चा की, परंतु विधायक और सांसद की बातों को भी विभाग ने नजरअंदाज कर दिया। परंतु गांव के पत्रकार संघ के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से एकत्रित होकर अधीक्षण यंत्री खरगोन डी के गाठे को एक ज्ञापन सौंपा गया। ऐसी परिस्थितियों में अधीक्षण यंत्री द्वारा एक माह के अंदर डीपी का निराकरण करने का भी आश्वासन दिया है। बरूड से रामेश्वर कुमार की रिपोर्ट। पत्रकार संघ बरूड के माध्यम से एक आवेदन पत्र मिला है, जिसमें आप लोगों ने उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत के पास कोई फंड नहीं, न कोई नागरिक इसमें फंड उपलब्ध करवा पाएगा। ये शासकीय खर्चे पर इस डीपी को हटाना है। वर्तमान में जो डीपी लगी है, यानी ट्रांसफार्मर लगा है, वो काफ़ी खतरनाक पोजीशन में है। मैं प्रयास करूंगा कि इसको इसका जांच करवा के किस फंड में कर सकते हैं, चर्चा करके उसको निश्चित तौर से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सर कितने समय में हो जाएगा? लगभग एक माह लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।